प्यार का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। हे गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून, और दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे, इतना ही का कुछ टाइम हो रहा है। और मुझे, हाँ, मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। मैंने आपको कहा था आजकल आपको मेरे व्लॉग में शॉपिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, सो दैट्स वाई मैं जा रही हूँ चांदनी चौक, हाँ, शॉपिंग के लिए। मैंने कहा था ना साड़ी की कुछ शॉपिंग बची हुई है, वो भी फिनिश कर लेनी है मुझे आजकल में ही। लाइट बंद कर देते हैं, हाँ, तो इसलिए मुझे जाना था चांदनी चौक। और मैं जा रही हूँ, मेरे साथ दर्शन दी जाएंगी और राकेश जी भी, तो हम 3-4 लोग मिलेंगे वहाँ पे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अकेले डुग्गू संभालना, कैमरा संभालना और साथ में मार्केट का रश संभालना, सब कुछ संभालना बहुत मेरे लिए वैसा हो जाएगा नहीं हो पाएगा। सो दैट पहले आप लोग यहाँ बैठिए, तो यहाँ बैठ जाएंगे आप लोग। तो मैं अपना दूध जो है वो मैंने गर्म कर दिया था, ठंडा भी हो गया है, फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो मुझे आने में रात भी हो सकती है और ये दूध जो है वो फट भी जाएगा, तो इसलिए ये सब जो सामान है खराब होने वाला वो सब मैं अंदर डाल दूंगी, इसमें कुछ खराब होने वाला सामान नहीं है, ये ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसको यहाँ रख देते हैं, जो छोटे मोटे से काम थे वो निपटा लिए हैं, बाल मैंने आज धोए हुए थे, बहुत दिनों बाद मैंने हेयर वॉश किया है, सो दैट कि थोड़ा अच्छा लग रहा है हेयर वॉश करके। और हाँ, मतलब साड़ियाँ लेनी हैं, कुछ साड़ियों के अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सोनिया क्या कुछ रीज़न है, क्यों खरीद रहे हो, तो मैंने बताया था कि एक्चुअली दिवाकर की फैमिली में एक वेडिंग है, सो उसी वेडिंग में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से हम भी हैं, सो दैट उसी की शॉपिंग हो रही है ये, सो फैमिली वेडिंग है, तो इसलिए ये सारी शॉपिंग हो रही है। और इसके अलावा लास्ट व्लॉग में जो मेरी साड़ी देखी थी आप लोगों ने, जो मैंने छाबड़ा 555 से ली है, छाबड़ा 555 से, वो उस साड़ी का रेट मैंने बहुत सारे लोगों को लिखकर बताया, और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे कितने की साड़ी है, कितने की साड़ी है, तो उस साड़ी का प्राइस है 13,000 रुपये, 13,000 रुपये उसका प्राइस है, और कोई लेस नहीं हुआ है उसमें, एंड उसके अलावा उनको डिस्काउंट मतलब कुछ नहीं था, बिल्कुल वो लोग फ्रेश में बेचे थे। मैंने कहा 10% तो सब लोग देते हैं, मतलब पूरी दुनिया में अनाउंस है क्योंकि साड़ी की दुकान पे अक्सर 10% डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैम हमारा पीछे से ब्रांड है और पीछे से ही हमें जो रेट लिख कर आता है वही हम दे सकते हैं, हम ना 1 रुपये ज़्यादा बता सकते हैं आपको ना कम कर सकते हैं, सो उसने पूरा 13,000 का दिया था। और ये जो बेडशीट है, मेरी दिवाली की तैयारियाँ आप सबके घर में हो रही होंगी, मेरे घर में भी हो रही है, तो ये जो बेडशीट्स हैं मैंने धो के डाल दी हैं, ये वाली धो के डाल दी है, ये दूसरे रूम वाली बेडशीट भी जो धो के डाल दी है, इन सब के पिलो कवर, मतलब कुछ कपड़े थे मेरे आज सुबह मैंने ही धो के इन्हें वॉश कर दिया है और लेट हो रहे हैं, फटाफट से चलो आ जाओ। वैसे भी मार्केट में कुछ ज़्यादा मेकअप तो करके जाने लायक नहीं है, मुंह ढकना ही होता है, लेकिन मैं फिर भी सोची थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ, लेकिन फिर एक मन ये भी कह रहा है कि लिपस्टिक लगा के करना क्या है, मास्क लगाना है लेकिन फिर भी लड़की हो ना तो दिल मानता तो है नहीं, ऐसे थोड़ी सी लिपस्टिक तो बनती है। पहनते हैं इसको फटाफट से और चलते हैं, चलो बाहर निकलो, बाहर बाहर, दादी जी की पैसा नहीं की, किसी का कुछ नहीं पड़ेगा, चलो दादी जी छोले भटूरे बनाने ये लगा दी। यहाँ का नहीं, आपका नहीं, नहीं।
फर्म के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, पर्सनल में कोई नहीं डलवाया, क्योंकि ये ऑनर बैठते नहीं, जो ऑनर है ना उनके अकॉर्डिंग में बेस है, लेकिन सर आपकी बात जायज है, पर ये चेक वाला आएगा, चलो पिक्चर ये वाला प्लीज दिखाइएगा प्लीज, अच्छा लग रहा है ये, चलो पिक्चर में जल्दी ट्रायल कपड़ा गया ना वाला, और कपड़ा भी भारी है, इसे देखिए इसका काजल का छोटा डब्बा, मेरे अरे मिजर जाओगे इनमें कलर दियो, ये कलर सुंदर लग रहा है दुल्हन के हिसाब से ना, दिखा दियो कौन सी एक ही डिजाइन है 29 कुछ क्या हो गया, ये पल्ला है और ब्लाउज कैसा भी है इसका, ये रहा प्लेन टॉप से अच्छी लग रही है, ये पल का कलर यही दो है ना, एक अलग रहा हाँ, एक बेबी पिंक है और एक ये कौन सा है, ये भी अच्छा दी पिछले ग्रीन, वो तो गोरी है ना उसके पास सब अच्छा लगेगा, कलर ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये बहुत लाइट है, पहले चार कर दे, हाँ चार कर दे, ब्रेक इसमें बॉटल ग्रीन में ओके ना, ये जर्कन लगी है साथ में, ये प्लेन है ऐसी ही बिल्कुल, हाँ बिजी है पूरा, कब चलेगा, टीवी आइटम 2100 डायमंड का, ये टोन टू टोन डायमंड लगा रहा है, किशोर ये ब्लैक साड़ी दियो, सामने देख बोल दे मेरी नजरों से देख, अब एक रेड में कुछ दिखा दो मेरा मजा आ जाए, रेड या येलो में तो श्री हाँ ये तो है, ये तो है जैसे दूसरे की बीवी अच्छी लगती है अपनी, जैसे दूसरे की बीवी अच्छी लगती है वही हाल है इसमें, दूसरे की बीवी और साड़ी एक जैसी मम्मी मम्मी नहीं अच्छी लग रही भैया पास से तो अच्छा ठीक है, मम्मी मम्मी ये लोच कपाई बैलून वाला ओ के इकिल का बॉय दादू क्यों नहीं हो जा, नहीं रुको 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 बेबी पिंक भी आजकल बहुत चल रहा है, दी देखो वो पैक कर रहे हैं, ये लग ये साड़ी ये पिंक ना कि लाइट सो रेंज आ रहा है, यह लाइट की वजह से पता नहीं लेकिन ये लग कितना था 6000 एक ब्लू और डार्क ब्लू ऐसा खुला बीच में अच्छा है, ग्रीन कलर आपका होगा भी नहीं, 22 ये उल्टी नहीं कर दी है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो दवाई की पर्ची ले लो, वो ले ले हाथ में।
ज्यादा है मिड तक जाकर हैं उसका प्रतीक का ऑफिस नहीं कल है आज नहीं है ना नहीं तो बस फिर अब तो घर चलूंगी फिर हमारे साथ है हाँ दिवाकर नहीं है ना तो जाना है ना ड्यूटी है ना उसकी तो ड्यूटी तो दिवाकर चलवा दूंगी नहीं 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 उसका टाइम नहीं है आप भी देखो थको आराम करो नहीं नहीं ठीक है मैं आराम कर तो जाकर खाना नहीं खाऊंगी नहीं कोई बात नहीं अभी मैं जाके कुछ नहीं करती आराम ही करूँ लेकिन आप नहीं नहीं लेट हो जाएगा नहीं उनकी ड्यूटी मतलब नहीं उनकी ड्यूटी नहीं लगा रही हूँ मैं पेंशन मानू बात आप टेंशन नहीं फिर आपने बोला ना मैं दिवाली के आसपास नहीं कोई बात आप आओगे वो ठीक है लेकिन अभी आप मेरे साथ चलो नहीं अभी आप मुझे काम होता मुझे काम है आप ऐसे ही घुमा रहे हो नहीं कोई नहीं घुमा रही रुको रुको डुगू इधर आओ दी आप आगे बैठिए उधर से सो फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं और राकेश जी बाहर से बाहर चले गए हैं क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था उनका नाइट शिफ्ट होता है सो दैट कि और ये सारी वो शॉपिंग है जो हम करके लाए हैं ये सी ब्लू कलर बोलते ना दी से सी ब्लू जिस समुंदर टाइप का कलर जो होता है पिकॉक हाँ पिकॉक हाँ यू कैन सी पिकॉक डार्क पिकॉक कलर ये वो वाला कलर है और ये साड़ी ली गई है और इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ इस साड़ी का ये वाला ब्लाउज है इसका ब्लाउज बहुत ऑसम है ना दी आपको कैसा लगा था साड़ी दिखाओ क्लोजअप में दिखाओ ये साड़ी कैसी लग रही आपको कैसी लगी थी हाँ दी का मुंह दिखाओ दी का मुंह ही नहीं दिख रहा नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ आपको कैसी लगी बताओ बहुत प्यारी ना? के मजा आएगा ना और क्या हाँ और ये इस साड़ी का ब्लाउज है इस ब्लाउज से ये साड़ी बहुत यूनिक हो जाती है तो ये साड़ी का ब्लाउज है वो साड़ी एक साड़ी ये है और एक साड़ी ये है सेम उसी का कलर है जो पिकॉक कलर की साड़ी अभी दी तय लगा रही थी ना फोल्ड कर रही थी वो एक साड़ी है उसी का ये दूसरा वाइन कलर है तो एक ये साड़ी इसका भी ब्लाउज सेम है जो ये वाला ब्लाउज था ये सेम ब्लाउज इसमें भी है बट बस ये वाइन कलर है और पिकॉक कलर है इतना ही फर्क था तो ये साड़ी मैंने किसी और के लिए ली है क्योंकि एक जैसी साड़ी तो अपने लिए लूँगी नहीं एक साड़ी अपने लिए ली है एक अपनी जैसी किसी और के लिए ली है और इसके अलावा एक ये साड़ी ली है मैंने दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल साड़ी और इस पूरी साड़ी में सबसे महंगी साड़ी है ये और ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है बिल्कुल ब्राइडल कलर जो होता है जो नई दुल्हन पहनती है बिल्कुल वो साड़ी है जो नई नई दुल्हनें पहनती है ना आपको कैसी लगी दीदी ये तो नंबर वन की साड़ी हाँ नंबर वन पे यही पसंद आई सबसे महंगी भी यही है सबसे ज्यादा अच्छी भी सबको यही लग रही थी राकेश जी को भी सबसे ज्यादा अच्छी मेरा मन कर रहा है इन्हीं को पहनवा दे नहीं नहीं ये इस साड़ी का बिल्कुल ब्राइडल लुक है बिल्कुल ब्राइडल लुक साड़ी है ये सो न्यू ब्राइडल्स अगर इसे पहनेगी ना ट्रस्ट मी गाइस इतनी सुंदर लगेगी अगर कोई लड़की इसको पहनेगी बहुत अच्छी लगेगी दर्शन दी मुझे राकेश जी हम लोगों ने एक नज़र में इसे तीन कलर थे ग्रीन बेबी पिंक और ये वाला पिंक और ऑरेंज के साथ मिक्स देखते ही बिल्कुल एकदम सटीक से आँखों पर लग गया कि नहीं यार ब्राइडल कलर लेना है एक बार को मेरा थोड़ा सा मन हुआ कि चल बेबी पिंक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन दर्शन दी ने कहा बेबी पिंक कलर अच्छा है लेकिन ब्राइडल कलर लो शादी के पर्पज से लिया जा रहा है क्योंकि बिलेंगे तो इसलिए दीदी की बात मानते हुए अपने आप की इच्छा रखते हुए राकेश जी को देखते हुए हमने ये साड़ी ली थी और सच में साड़ी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और फिर एक दीदी के हाथ में साड़ी दी दिखाएंगी इस साड़ी में खास बात क्या है इसमें काम बहुत ज़्यादा नहीं है गोल्ड कलर की साड़ी है ये बट इसमें इसका साड़ी का कपड़ा जो है वो बिल्कुल इतना अच्छा सिल्क है मुझे नहीं पता इसे कौन सा सिल्क बोलते हैं डोला सिल्क बोलते हैं कि या कुछ और या वो
क्रेप सिल्क, क्या बोला था? क्रेप सिल्क, क्रेप सिल्क ना, क्रेप सिल्क, हाँ इसे क्रेप सिल्क बोलते हैं। तो ये क्रेप सिल्क है और ये देखिए इसका ना थोड़ा सा ये देखो, ये पारदर्शी नहीं है बिल्कुल भी, पीछे से भी इतना चिकना है ये और इसका फ्रंट भी इतना शाइनिंग वाला है। तो दैट मीन्स ये साड़ी सिंपल, हल्की और बहुत ही पार्टी वियर टाइप की साड़ी है ये। तो एक साड़ी मैंने ये भी ली थी जो कि गोल्ड कलर की, और यू नो गाइस मेरा गोल्ड कलर कितना फेवरेट है, आप सभी को पता है कि गोल्ड कलर की मैं जान भी दे देती हूँ। आजकल गोल्ड बिल्कुल आंखों पे चढ़ा हुआ है। फ्लावर कलर ये चीज तो करीब सही है, हाँ, लेकिन ये वो प्लेन है इसकी फ्लावर की वजह से, और इसमें भी ये स्टोन लगे तो एक अलग ही लुक आ रही है। मैं तो सोच रही हूँ पहन के क्या लगाओगे जल्दी से देखने को मिले फोटो खींच खींच के भेजूंगी ना आपको। डेली डेली मुझे फोटो चाहिए मैंने सोचा अपना पूरा प्रयास आपकी फोटो देख के मैं अपना खाना खाऊंगी, व्रत खोलूंगी, व्रत रहेगा। बट साड़ी एक्चुअली मेरा चांद मुझे नजर आएगा तो मैं खाना खाऊंगा। हाय हाय, तो ये एक साड़ी हो गई, ये एक साड़ी हो गई, इसका ब्लाउज निकाल दे दी। अभी गुस्सा करा ना फिर इतर आएंगे ये। मेरी वाइफ कितनी सुंदर लग रही है सबसे। हाँ, यही करते हैं। और अभी जो इनका मुंह फूला हुआ है और इतने पैसे खर्च कर दिए तुमने, इतने सारे तुम सामान ले आई, इतने सारे पैसे खर्च करके तुमने ठीक नहीं किया, और उस टाइम कहेंगे अरे यार शाला तुम तो अच्छी लग रही हो। जब लोग तारीफ करेंगे ना या देखेंगे मुड़ मुड़ के तो फिर उस टाइम ये इतरा रहे होंगे। ये सबसे पहले कहते हैं यार तुम अच्छी लग रही हो, यार तुम तो करवा चौथ वाले उसमें देखा अपने आप ही कह रहे बहुत अच्छी लग रही हो आज तो तुम, फिर आप गुस्सा दिखाना उस टाइम गुस्सा दिखाना। साड़ी का ब्लाउज निकाल दिया आपने, कटेगा ये, कैची लानी पड़ेगी क्या? ये सिला वाला नहीं है, ये कटे अच्छा वाला सिला वाला। हाँ सिला वाला ये ब्लाउज। हाँ ब्लाउज सिंपल है, अच्छा है। इसका बाजू वाला ब्लाउज अच्छा लगेगा क्या? कौन सा कट स्लीव? नहीं बाजू वाला आप लोग प्लीज बताइएगा। ये आएगी ना बाजू पे, ये लगेगा, ये तो मैं कमर पे भी लगवा सकती हूँ, अच्छा लगेगा ना। आप लोग प्लीज गाइस मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि जो क्रेप सिल्क वाला जो साड़ी है इसका जो ब्लाउज है बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बॉर्डर है, इसको मैं कट स्लिप बनाऊँ या यहाँ तक की बाजू बनाऊँ, यहाँ तक की या फिर यहाँ तक की बाजू जहाँ तक ये मेरा टी शर्ट है, कहाँ तक इसकी बाजू बनवाऊँ प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा ज़रूर इसके बारे में, कैसी बाजू बनवाएं इसकी। पीछे जाएगा तो उतना दिखेगा नहीं, अब यहाँ रहेगा तो ये आपकी फ्रंट से लुक में शामिल हो जाएगा। देखिए इतनी लंबी अच्छी लगी? नहीं इतनी लंबी नहीं, इतनी ही, इतनी हाँ अच्छी लगी। ठीक है आप लोग भी कमेंट करिएगा, निकाल दीजिए यहाँ से इसको। पहला कमेंट मेरा उतनी लंबी जितनी लंबी टी शर्ट है। टी शर्ट की बाजू है क्योंकि ये रिवाज अभी आया है, ये हमेशा रहता है, ये सिल्क की साड़ी में अच्छा लगता है, ये इतना वाला हमेशा रहेगा, ये है नहीं है ऊपर नीचे, ये हमेशा रहेगा। तो वैसा रखो कि बीच में ऐसा साड़ियों पे इसमें यहाँ तक की बहुत बाजू चल रही थी 3/4, बट अब बहुत कम लोग पहनते हैं, अब तो यहाँ तक आ गया है, बट कोई नहीं। और आजकल तिवारी जी के वहाँ साड़ियों का रेला चल रहा है, बोलते थे साड़ी नहीं पहनती, लगता है पूरे साल साड़ी पहनती, दुनिया कहती थी सोनिया तुम कभी साड़ी नहीं पहनती, साड़ी पहनती, अब आप लोग सिर्फ मुझे साड़ी 2021 में साड़ियां ही पहनेंगी, अब ये धोती बांधेंगी बस, अब नहीं पहनेंगी तो पहनवाएंगे, नहीं पहनेंगी तो मैं उधर से दर्शन जी को बुलाऊंगा कि कौन सी साड़ी कब पहननी है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ब्लाउज सिलवाना है, क्या करना है। प्लीज गाइज आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप लोगों का हर एक बात मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी साड़ी मुझे किस ओकेशन पे पहननी चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे कि वेडिंग है तो वेडिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप सभी को पता है, तो आपने मेरी सारी साड़ियाँ देखी हुई हैं, प्लीज सजेस्ट मी मुझे कौन सी साड़ी कब पहननी चाहिए, मैं उस चीज को बिल्कुल कंसिडर करूंगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप सो यू लाइक दिस व्लॉग गाइज, और पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू, मिस यू एंड बाय।